अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने क्या ही बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने क्या ही अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही, और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली। बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलनिधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है, और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रखता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सिवाना बंधा है, वहां तक उसने जलनिधि का सिवाना ठहरा रखा है। उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थरथराकर चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को उछालता है, और अपनी बुद्धि से घमंड को छेद देता है। उसकी आत्मा से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है, और उसकी आहट फुसफुसाहट से ही तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है।